वहीं मनाली के सभी व्यापारिक संस्थान जीएसटी के विरोध में बंद रहे। जीएसटी के विरोध में भारत बंद की तर्ज पर मनाली भी पूर्ण रूप से बंद रहा। मनाली बाजार में दुकानें बंद रहने पर देश विदेश से आए सैलानियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सैलानी मनाली में खाने पीने के सामान के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आए। मनाली घूमने आए सैलानियों ने बताया कि जीएसटी को लेकर देश के व्यापारियों की मांग जायज है, लेकिन मनाली एक पर्यटन नगरी है। यहां पर देश विदेश के सैलानी घूमने आते हैं, इसलिए मनाली के व्यापारियों को खाने पीने और दवाइयों की दुकानें खुली रखनी चाहिए थी। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने सुबह उठे, हमने देखा, हमने चाय की दुकान भी यहाँ पे बंद है और कोई नाश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं, भूखे घूम रहे हैं सुबह से ऐसी, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी परेशान है। तो फैसला मेरे को थोड़ा फैसला लगा, अगर इसके पता भी नहीं हमें कि आज बंद रहेगी, वरना हम कल से कोई इंतजाम करके रखते, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी के बारे में मालूम था, बट यहाँ पर एक दिन पहले हमें बताने अनाउंसमेंट नहीं करा कि यहाँ पर आज शॉप सारी वो बंद रहेगी, खाना पीना सब कुछ नहीं मिल रहा। अब बताओ कहाँ पर हमारे, हम बाहर से आए, कहाँ से खाएँ? हम एक बजट बना गए हैं, हम बजट बना गए हैं और यहाँ पर ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही महंगा मिल रहा है। आप बताओ कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चाय वाय की सब चीज़ की दुकान बंद है। हमारे बंदे परेशान हैं, हम घर भी नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पे बस की टिकट भी नहीं हो पा रही है, बस भी बुक नहीं हो पा रही है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा बोल रहा है कि अभी नहीं होगी, हम बहुत परेशान हैं। मार रोड पर घूम रहे हैं, यहाँ पे चाट पानी कुछ भी नहीं मिल पा रहा, खाना पीना सब सारी दुकानें बंद हो गई हैं। सर बहुत परेशान। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।